और जामिया में एक बार फिर से हिंदू विरोधी नारे लगे हैं। जामिया कैंपस में आरएसएस के खिलाफ विवादित नारे लगाए गए। दलित दंगों के आरोपी सरफूरा सरगर के समर्थन में भड़काऊ नारेबाजी की गई। सरफूरा सरगर का एडमिशन रद्द होने पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से जामिया में क्या कुछ नारे लगे, एक बार सुनने की कोशिश कीजिए। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जामिया के कैंपस की ये तस्वीरें। नाराज हो गए थे, सरफूरा जरगर का एडमिशन जो है उसे कैंसिल किया गया। हालांकि जो प्रशासन है वो साफ कर चुका है कि अपने थीसिस पूरे नहीं कर पाई थी सरफूरा, जिस वजह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जामिया में फिर हिंदू विरोधी नारे। नहीं करेंगे पढ़ाई, हिंदुत्व से करेंगे लड़ाई। दिल्ली दंगों के आरोपी आरएसएस विरोधी। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर एक बार फिर हिंदू विरोधी सुर सुनाई दिए। दरअसल दिल्ली दंगों की आरोपी और मुस्लिम एक्टिविस्ट सफूरा जरगर का एडमिशन रद्द होने के बाद जामिया के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने भड़काऊ नारे भी लगाए। छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान आरएसएस की कब्र खुदेगी जामिया की धरती पर और एबीवीपी की कब्र खुदेगी जामिया की धरती पर जैसे नारे लगाए। सफूरा जामिया से सोशियोलॉजी में एमफिल कर रही है। 5 सेमेस्टर होने के बावजूद उन्होंने अभी तक अपनी थीसिस सबमिट नहीं की थी, जिसके बाद उनका एडमिशन रद्द कर दिया गया। जामिया प्रशासन का कहना है कि उनके प्रोजेक्ट सुपरवाइजर को उनकी रिपोर्ट संतोषजनक नहीं लगी। साथ ही उन्होंने एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई नहीं किया था। वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने जामिया में दिल्ली दंगों की आरोपी के समर्थन में नारे लगाने पर कहा कि अब समय आ गया है कि जिहादी तत्वों को मां सरस्वती के इस मंदिर से बाहर किया जाए। इन नारों का जवाब दिल्ली ने और देश ने पहले भी दिया है, और ऐसा जो भी करते हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि दिल्ली को दोबारा खून से रंगने नहीं देंगे, और जिन्होंने दिल्ली को खून से रंगा है उनको सिर नहीं उठाने देंगे दोबारा। जामिया यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में अपनी बेहतर पढ़ाई के लिए जानी जाती है, लेकिन जिस तरह सफूरा जरगर को लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस में हिंदू विरोधी नारे लगे, इससे जामिया की छवि को नुकसान होगा। इसलिए बेहतर है कि यहाँ पढ़ने वाले छात्र सियासत से परे अपनी पढ़ाई पर ही फोकस रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।